गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग को द ओरिजिन ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम लोग जो है आगे क्लास 10th का जो लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस में हम लोग का भी टॉपिक चला रिस्पायरेशन। तो हमने रिस्पायरेशन के बारे में मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन पढ़ा चुके हैं, प्लांट रिस्पायरेशन पढ़ा चुके हैं, और अगला टॉपिक मेरा था एनिमल रिस्पायरेशन। तो एनिमल रिस्पायरेशन में भी हम जो है एक वीडियो बना चुके हैं। अब हम लोग का जो इस वीडियो में हम लोग जो है रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे, आखिर ह्यूमन बींग्स में रिस्पायरेशन कैसे होता है। तो रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो देखिए ह्यूमन बींग जो है वो कॉम्प्लेक्स टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, और कॉम्प्लेक्स टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में सिंपल डिफ्यूजन डज नॉट मेंटेन द ऑक्सीजन सप्लाई इन होल बॉडी, सो दैट द स्पेशल टाइप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन इज प्रेजेंट, दैट इज नोन एज द रिस्पायरेटरी सिस्टम। चलिए अब वहाँ पे पहला लाइन में लिखा हुआ है, ह्यूमन बींग्स आर कॉम्प्लेक्स टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म विच टेक O2 फ्रॉम एयर विथ द हेल्प ऑफ लंग्स। ह्यूमन जो है कॉम्प्लेक्स टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, और वो ऑक्सीजन का जो इन्हेलेशन जो किया जाता है वो लंग्स के थ्रू किया जाता है। अगला एरो है, द लंग्स अलॉन्ग विथ सम अदर ऑर्गन्स फॉर्म ए सिस्टम फॉर द इफिशियंट एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड एयर, डैट इज ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, फुल स्टॉप, दिस सिस्टम इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम। देखिए रिस्पायरेटरी सिस्टम केवल लंग्स के नहीं बनता है, लंग्स अलॉन्ग विथ अदर ऑर्गन लाइक डायफ्राम, रिब्स मसल एंड लंग्स मसल, ये सब जो है आपस में पार्टिसिपेट करके पूरे रिस्पायरेटरी सिस्टम को मैकेनिज्म को मेंटेन करते हैं। तो लंग्स अलॉन्ग विथ अदर ऑर्गन फॉर्म ए सिस्टम दैट इफिशियंट टू एक्सचेंज द गैसेज बिटवीन ब्लड एंड एयर, दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, दिस सिस्टम इज कॉल्ड द रिस्पायरेटरी सिस्टम। अगला टॉपिक हम लोग का जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या, हम ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का स्टडी कर रहे हैं। तो द मेजर ऑर्गेन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम आर, नंबर वन नॉस्ट्रिल। आप देखिए यहाँ पे नॉस्ट्रिल क्या है, इस चीज़ को समझिए। तो नोज का जो दो होल्स है, नोज होल्स इज नोन एज नॉस्ट्रिल। जो नोज का जो दो होल्स है, जो होल्स आपको नोज का जो होल है उस होल को हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल बोलते हैं। नॉस्ट्रिल को होल के जस्ट इनसाइड आप मूव कीजिएगा, और स्पेस है जहाँ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उस स्पेस को हम बोलते हैं नेसल कैविटी या नेसल चैम्बर। नॉस्ट्रिल के जस्ट इनसाइड मूव करने पर आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिले, उस स्पेस को हम बोलते हैं नेसल कैविटी और नेसल चैम्बर। फिर नेसल चैम्बर के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड फूड, मतलब एयर और फूड जहाँ पे दोनों का एक कॉमन मीटिंग पॉइंट है, दैट इज नोन एज द फेरिंग्स। अगला लैरिंग्स है, साउंड प्रोड्यूसिंग पार्ट इन ह्यूमन बॉडी, दैट इज नोन एज लैरिंग्स। लैरिंग्स को साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कहा जाता है। अगला है ट्रैकिया, ट्रैकिया को ही बोला जाता है विंड पाइप। आप लोग को बढ़ाए होंगे पिछले बार, विंड पाइप, ट्रैकिया इज नोन एज विंड पाइप। तो ट्रैकिया जो एयर का जो पाइप है, जो लंग्स में एयर लीक जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, या उसी को बोलते हैं विंड पाइप। ट्रैकिया जो है फर्दर डिवाइड करता है ब्रोंकियाई एंड ब्रोंकियोलस। जब हम लंग्स का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको बताएंगे तो इसमें बताएंगे ब्रोंकियाई क्या होता है और ब्रोंकियोलस क्या होते हैं। उसके बाद एलिव्यूलर सैक, एलिव्यूलर सैक जो है ये रियल साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एलिव्यूलर सैक में ही जो है मतलब रियली गैस जो है वह एक्सचेंज होता है बॉडी टू लंग्स। और अगला हेडिंग जो है लंग्स, अगला 8 नंबर क्या है, लंग्स। तो इन सभी रिस्पायरेटरी सिस्टम का हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम लोग का रहेगा नॉस्ट्रिल, उसके बाद रहेगा नेसल कैविटी, तब रहेगा फेरिंग्स, तब रहेगा लैरिंग्स, ट्रैकिया जिसको हम विंड पाइप, ब्रोंकियाई एंड ब्रोंकियोलस, एल्वियोलर सैक एंड लंग्स। तो इन 8ों टॉपिक को हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। आइए पहले हम स्टडी करेंगे हम नॉस्ट्रिल्स।
आइए स्टूडेंट्स, पहले हम जो है रिस्पायरेटरी ट्रैक का हम फर्स्ट हेडिंग नॉस्ट्रिल के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो नॉस्ट्रिल क्या है, आपको बताए थे अभी कि हम लोग का जो नोज का जो एक्सटर्नल ओपनिंग है, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ नोज इज नोन एज नॉस्ट्रिल, ओपनिंग को ही कहते हैं हम नॉस्ट्रिल कहते हैं। तो एरो देखे यहाँ पे है, द रिस्पायरेटरी ट्रैक ऑफ ह्यूमन, दो मिनट, द रिस्पायरेटरी ट्रैक ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो है हम लोग के जो है सबसे पहला पार्ट जो रिस्पायरेटरी सिस्टम का क्या हुआ, पार्ट हुआ। अगला यहाँ पे है, टू नॉस्ट्रिल्स आर सेपरेटेड बाई ए कार्टिलेजनस सेप्टम। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं दोनों नॉस्ट्रिल के बीच में जो सेपरेटिंग है, वो सेपरेटिंग जो करने का वर्क जो परफॉर्म कर रहा है वह कार्टिलेजनस सेप्टम है जो इजिली मूवेबल है। से मत कार्टिलेजनस का मतलब जिसमें जो है फ्लैक्सीबल होते, देखिए ये फ्लैक्सीबल है तो इसको दोनों नॉस्ट्रिल को जो है सेपरेट करने का काम जो है कार्टिलेजनस सेप्टम करता है। अब देखिए नॉस्ट्रिल ही आगे जाके जो है किसका फॉर्मेशन करता है, मतलब नेसल कैविटी का फॉर्मेशन करता है। नॉस्ट्रिल लीड इंटरनली इनटू नेसल कैविटी, मतलब नॉस्ट्रिल जो है इंटरनली लीड करके नेसल कैविटी का फॉर्मेशन करता है। नंबर टू हम पढ़ेंगे नेसल कैविटी, या इसी को बोलते हैं नेसल चैम्बर। तो नेसल कैविटी और नेसल चैम्बर के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो देखिए द नेसल कैविटी आर सेपरेटेड फ्रॉम ओरल कैविटी बाय ए बोनी प्लेट। देखिए नेसल कैविटी जो है, जो नोज का जो स्पेस है, नेसल कैविटी सेपरेटेड फ्रॉम द ओरल कैविटी, माउथ के अंदर वाला को हम ओरल कैविटी कहते हैं। तो ओरल कैविटी और नेसल कैविटी आपस में एक दूसरे सेपरेट है बाय द बोनी प्लेट, ये बीच में जो है दोनों के बीच में बोनी प्लेट स्ट्रक्चर है। तो ऊपर में नेसल कैविटी मिलेगा, नीचे में आपको जो मिलेगा ओरल कैविटी मिलेगा। अगला रो है, द इनर सरफेस ऑफ नेसल पैसेज इज लाइंड बाय सिलिएटेड एंड सेंसरी एपिथेलियम एंड म्यूकस सीक्रेटिंग सेल। देखिए नेसल कैविटी का इनर जो इनर साइड में जो है वो सिलिएटेड, सिलिएटेड का मतलब सिलिया, छोटा छोटा हेयर लाइक क्या होता है स्ट्रक्चर होता है। एंड सेंसरी एपिथेलियम, नाक में कोई भी चीज अगर गया है तो आपको अचानक पता चल जाएगा, तो सेंसरी एपिथेलियम। एंड म्यूकस सीक्रेटिंग, चिपचिपा पदार्थ जो है, मतलब म्यूकस सीक्रेटिंग सेल जो है चिपचिपा पदार्थ से म्यूकस सीक्रेटिंग सेल आर प्रेजेंट। तो नेसल कैविटी में जो है सिलिएटेड सेंसरी एपिथेलियम एंड म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स आर प्रेजेंट। अगला रो है, द नेसल चैम्बर परफॉर्म फ्लोइंग फंक्शन। नेसल चैम्बर जो है या नेसल कैविटी जो है वह फ्लोइंग वर्क परफॉर्म करता है। नंबर वन, इट वार्म द इनहेल एयर, हम जो एयर को इनहेल कर रहे हैं, जो जैसे हमने एयर को इनहेल किया तो इनहेल एयर को वार्म करने का काम जो है, वार्म करने का काम नेसल कैविटी करता है। नंबर टू, इट एड्स मॉइस्चर टू द इनहेल एयर, ये इनहेल एयर में मॉइस्चर को ऐड करता है। मॉइस्चर को ऐड करने पर क्या होता है, वो जो पहले वार्म जो था वह कूल हो जाएगा। नंबर थ्री, द म्यूकस एंड सिलिया प्रेजेंट इन नेसल चैम्बर इंट्रैप द डस्ट एंड हार्मफुल पार्टिकल। अगर इनहेल एयर में डस्ट है या हार्मफुल पार्टिकल जो हम लोग के लिए हार्मफुल है, तो उसको ट्रैप करने का काम, उसको जो है कैचिंग करने का काम जो है म्यूकस करेगा और क्या करेगा, सिलिया परफॉर्म करेगा। और नंबर फोर है सेंसरी, जिसको ऑल्फैक्ट्री सेल्स डिटेक्ट द ऑडर ऑफ स्मेल। अगर एयर में अगर दुर्गंध है, एयर में अगर कोई ऑडर्स है, तो ऑडर्स को डिटेक्ट करने का काम, रिकोनाइज करने का काम जो है सेंसरी, जिसको हम ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम उसका वर्क परफॉर्म करेगा। नंबर थ्री है फेरिंग्स, तो आपको बताएं फेरिंग्स जो है टू इंटरनली नॉस्ट्रिल, दो जो इंटरनली नॉस्ट्रिल है, इंटर इनटू फेरिंग्स, दोनों इंटरनल नॉस्ट्रिल आपस में जाके किसके साथ मीट करता है, फेरिंग्स के साथ मीट करता है। और फेरिंग्स जो है इट इज अ कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर, फेरिंग्स जो है वह कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड मीन्स यहाँ पे फूड और एयर दोनों आपस में क्या होता है, मीट मिलता है। अगला, ए कार्टिलेजनस फ्लैब
कॉल्ड एपिग्लोटिस गाइडेड द इंट्रेंस ऑफ टू ट्रैकिया। देखिए ट्रैकिया के ऊपर जो है एक मतलब कार्टिलेजिनस जो है फ्लैप होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, और एपिग्लोटिस जो है गाइड करता है ट्रैकिया को। जैसे दरवाजा है तो दरवाजा पर जो है गेट गाइड करता है या दरवान गाइड, उसी प्रकार मानी ये एपिग्लोटिस है और ये ट्रैकिया है, और इस ट्रैकिया पे जो है इस तरह एपिग्लोटिस होगा। जैसे ही फूड और ड्रिंक हम इनहेल करेंगे ये जो है कवर कर लेगा ट्रैकिया को, और ट्रैकिया में फूड और एयर को जाने के प्रिवेंट करेगा। अगर फूड और एयर चला जाएगा तो ही हम लोग हिचकी होना क्या होता है चालू होता है। तो एपिग्लोटिस जो है फूड और एयर को जो है ट्रैकिया में या रिस्पिरेटरी ट्रैक में जाने के प्रिवेंट करता है। व्हेन वी स्वलो सम फूड और ड्रिंक द एपिग्लोटिस कवर द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया टू प्रिवेंट फूड एंड ड्रिंक फ्रॉम इंटरिंग द रिस्पिरेटरी ट्रैक। जो हम फूड को स्लोइंग करते फूड या ड्रिंक को, वो एपिग्लोटिस जो ट्रैकिया को कवर कर उसको फूड और ड्रिंक को जो रिस्पिरेटरी ट्रैक में जाने के क्या करता है रोकता है। तो हमने आज जो है नॉस्टिल जो है नेसल कैविटी फारिंग्स, अगला जो हम लोग का जो टॉपिक है वह है लारिंग्स, और लारिंग्स के बाद जो है ट्रैकिया, हम दो हेडिंग अभी करेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे लारिंग्स तब पढ़ेंगे ट्रैकिया। चलिए स्टूडेंट्स अगला टॉपिक हम लोग का जो नंबर 4 है वो लारिंग्स। लारिंग्स को ही बोला जाता है वॉइस बॉक्स, क्योंकि ये भी ह्यूमन में जो है साउंड प्रोड्यूस करने का काम लारिंग्स द्वारा ही किया था, सो दैट लारिंग्स इज नोन एज वॉइस बॉक्स। अगला देखिए हेडिंग है फारिंक्स ओपन इनटू एन एंटीरियर वाइडर पार्ट ऑफ ट्रैकिया कॉल्ड लारिंग्स थ्रू ग्लोटिस। देखिए ये जो लारिंग जो है वह फारिंक्स के एंटीरियर वाइडर पार्ट में ट्रैकिया में ओपन होता है, और उसको गाइड करने के लिए वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं ग्लोटिस कहते हैं ना। अगला रो है इंटरनली लारिंग्स कंसिस्ट टू वोकल कॉर्ड्स विच वाइब्रेट व्हेन एयर पासेज इन बिटवीन देम एंड प्रोड्यूस साउंड विद द हेल्प ऑफ प्लेट बकल कैविटी टंग एंड लिप्स। कहने का मतलब है कि लारिंग्स जो है इंटरनली टू वोकल कॉर्ड्स होता है, जब उसके अंदर एयर जाता है तो एयर जाने के बाद उसमें वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन होने का वो साउंड प्रोड्यूस करता है, और साउंड प्रोड्यूस करने में प्लेट जो है माउथ का बोनी प्लेट है, बकल कैविटी और टंग और लिप्स भी क्या करता है हेल्प करता है। अगला एरो है द लारिंग्स इज अनकॉन्सिपियस बिफोर प्यूबर्टी बट आफ्टर प्यूबर्टी इन मेल इट बिकम्स प्रोमिनेंट एंड प्रोट्रूजेड आउट एंड इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। देखिए जो लारिंग जो है लारिंग्स जब पर्सन जब हो जाता है एडल्ट हो जाता है, तो एडल्ट हो जाने के कंडीशन में जो है वो जो है उसका प्रोमिनेंट होता है। देखिए एडल्ट बिफोर एडल्ट, एडल्ट के पहले जो है वो लारिंग जो है अन डेवलपमेंट नहीं होता, जबकि प्यूबर्टी होता है तो वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, और मेल भी ज़्यादा डेवलप होता है, वो जो है आउटसाइड निकल जा मतलब ग्रोथ कर जाता है, उसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। जैसे ये हम लोग का यहाँ पर आप उंगली रखिएगा, और यहाँ पे जो ऊपर नीचे कभी कभी देखा कोई पर्सन ह्यूमन पर्सन को मेल ह्यूमन पर्सन को बहुत ज़्यादा यहाँ पे निकला हुआ रहता है, जो यहाँ पे जो निकला हुआ रहता है जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर उसी को हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। और एडम्स एप्पल जो है मेल में होता है, और ये हार्मोन भी सिक्रीट करने का वर्क पर एक तरह इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करता है, रिलीज सम हार्मोन रेगुलेटिंग टू द ह्यूमन मेल कैरेक्टर्स। अगला नंबर 4 ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम कहते हैं विंड पाइप। देखिए ओसोफेगस को हम फूड पाइप कहते हैं और ट्रैकिया को हम विंड पाइप कहते हैं, तो ट्रैकिया जिन्हें नज विंड पाइप। इट इज अ लॉन्ग ट्यूब, ये ट्रैकिया लॉन्ग ट्यूब है जिसका अगर लेंथ अगर देखा जाए तो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। डैट अराइजेज फ्रॉम द बेस ऑफ लारिंग्स, ये लारिंग्स के माने ये लारिंग्स है, लारिंग्स के बेस के नीचे से जो है वो ट्रैकिया क्या करता है ओरिजिनेट करता है।
अगला इट पास थ्रू नेक और नेक में पास करता नेक के थ्रू पास थ्रू नेक एंड रीच अप टू द मिडिल ऑफ द थोरेसिक कैविटी। यह नेक को पास करते हुए जो है मिडिल ऑफ द थोरेसिक कैविटी में क्या करता है इंटर करता है। अगला ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजनस रिंग कॉल्ड रिंग टू प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग। देखिए कार्टिल जो ट्रैकिया भी जो है वह सी शेप स्ट्रक्चर, ये सी शेप स्ट्रक्चर इस प्रकार के स्ट्रक्चर के साथ बना होता है और ये कोलैप्सिंग आपस में कोलैप्स करने के क्या करता है प्रिवेंट करता है। तो सी शेप कार्टिलेजनस रिंग है जो उसको कोलैप्सिंग होने आपस में कोलैप्स होने के क्या करता है प्रिवेंट करता है। अगला इंटरनली इट इज लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम एंड म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स विच ट्रैपिंग डस्ट पार्टिकल एंड माइक्रोब्स। इंटरनली जो ट्रैकिया है वह सिलिएटेड एपिथेलियम और म्यूकस सीक्रेटिंग सेल के साथ सीक्रेटिंग सेल है जो डस्ट पार्टिकल और माइक्रोब्स, अगर इनहेल एयर में डस्ट पार्टिकल या माइक्रोब्स है तो उसको ट्रैपिंग करने का उसका जो वर्क जो है वर्क करेगा जो है ट्रैकिया का जो म्यूकस सीक्रेटिंग सेल और सिलिएटेड एपिथेलियम है। अगला है ब्रोंकियाई एंड ब्रोंकिओलस। तो देख क्या है ब्रोंकियाई, देखिए ट्रैकिया ही जब लंग्स में जाता है तो टू पार्ट में डिवाइड कर देता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं ब्रोंकियाई और फिर ब्रोंकियाई फर्दर डिवाइड कर जाता है तो ब्रोंकियोल्स क्या क्या करता है फॉर्मेशन। तो देखिए क्या है इन द मिडिल ऑफ द ऑफ थोरेसिक कैविटी ट्रैकिया डिवाइड्स इंटू टू ब्रांचेज कॉल्ड ब्रोंकियाई। मतलब मिडिल ऑफ थोरेसिक कैविटी में ट्रैकिया दो पार्टों में डिवाइड होता है और डिवाइड होकर टू ब्रांचेज उस ब्रांच को हम बोलते हैं ब्रोंकियाई कहते हैं। ब्रोंकियाई ऑल्सो सपोर्टेड बाय सी शेप कार्टिलेजनस रिंग। देखिए ये ब्रोंकियाई भी जो है सी शेप कार्टिलेजनस रिंग के साथ सपोर्टेड होता है, जिस प्रकार ट्रैकिया सी शेप कार्टिलेजनस रिंग के साथ सपोर्टेड है उसी प्रकार ब्रोंकियाई भी सी शेप कार्टिलेजनस रिंग के साथ क्या है सपोर्टेड है। अगला इनसाइड द लंग्स ब्रोंकियाई डिवाइड मेनी टाइम्स इनटू ब्रोंकियोल्स। देखिए ये जब ब्रोंकियाई लंग्स के अंदर जाता है तो लंग्स के अंदर जाने पर बहुत मेनी टाइम्स में डिवाइड करता है और मेनी टाइम्स में डिवाइड करके ये ब्रोंकियाई ब्रोंकियोल्स का क्या करेगा फॉर्मेशन करेगा। और ये ग्रैप्स बंचिंग ऑफ ग्रैप्स के मान बंच का स्ट्रक्चर का क्या करता है फॉर्मेशन करता है और उसका ईच ब्रोंकियोल टर्मिनेट इनटू सैक कॉल्ड एलिवियोलर सैक और एलिवियोलाई। और हर ब्रोंकियोलस जो है वह टर्मिनेट करता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम एलिवियोलर सैक कहते हैं और एलिवियोलाई सैक कहते हैं। और वह जो रियल में अगर देखिएगा तो अंगूर का गुच्छा पकड़िए तो अंगूर के ऊपर वाला गुच्छा जिसको आप उंगली के पकड़े हुए हैं वह ट्रैकिया है, फिर वह दो पार्टों में डिवाइड हुआ तो जैसे ही दो पार्टों में डिवाइड हुआ उस स्ट्रक्चर को ब्रोंकियाई कहेंगे। और फिर लास्ट जो अंगूर का जो दाना है वह दाना जिस पार्ट का था उसको ब्रोंकियोलस बोलेंगे और अंगूर जो है एक प्रकार का एलिवियोलर सैक या एलिवियोलाई की तरह वर्क परफॉर्म कर रहा है। अगला हेडिंग हम लोग का नंबर 6 है, नंबर 7 और नंबर 8 जो है, नंबर 7 एलिवियोलाई और नंबर 8 लंग जो है अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो थोड़ा जो है डाउनलोड अपलोड करने में हमको प्रॉब्लम होता है। तो आज इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक आप लोग जो है कोरोना टाइम पे घर पे ही रहे और सुरक्षित रहे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर कोई दोस्त आपको अगर कोरोना काल में नहीं स्टडी कर रहा तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, यहीं तक आज क्लास स्टॉप करते हैं। जय हिंद।